सोलन के ओजघाट में एलआर कॉलेज के समीप एक ट्रक पलट गया, जिसकी चपेट में वहां से गुजर रही एक महिला आ गई और ट्रक के नीचे कुचलने से महिला के वहीं पर मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब महिला वहां से गुजर रही थी तो महिला के साथ 4 वर्षीय पोती भी थी, लेकिन भाग्यवश वे ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। सोलन के ओजघाट में एलआर कॉलेज के समीप एक ट्रक पलट गया, जिसकी चपेट में वहां से गुजर रही एक महिला आ गई और ट्रक के नीचे कुचलने से महिला की वहीं पर मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब महिला वहां से गुजर रही थी तो महिला के साथ 4 वर्षीय पोती भी थी, लेकिन भाग्यवश वे ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। पुलिस को घटना की जैसे ही जानकारी मिली वे मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया है और शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। गांववासियों ने इस दुर्घटना का जिम्मेवार सड़क की खराब हालत को बताया है। उन्होंने बताया कि जहां ये घटना हुई है वहां पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इस जगह पर सड़क बेहद तंग है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां क्रैश बैरियर नहीं लगे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही ट्रक घटना स्थल पर पहुंचा उसका चालक नियंत्रण नहीं रख पाया और ट्रक पलट गया। गांव की महिला उसकी चपेट में आ गई। उन्होंने कहा कि सड़क की हालत बेहद खस्ता है, जिसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है ताकि इस तरह की घटनाओं को टाला जा सके। और एकदम से ट्रक आया, बहुत मतलब वो सुसाइड पास ले रहा था और पास लेते ही वो कहता है कि ब्रेक छूट गई और ये साथ ही मतलब किनारे पे थे सड़क के किनारे, और एकदम मतलब वो पलट गया और वो ये ट्रक के नीचे आ गए, एकदम टायर के नीचे आ गए और वो ट्रक वहीं पलट गया और ये ऑन द स्पॉट वहीं ख़त्म हो गए। बच्ची थी इनकी पोती थी एक छोटी सी ना, 3-4 साल की, वो साइड में गिर गई और वो बच गई बस, और ये टायर के नीचे आ गए। ये एक तो वहाँ पे मतलब जो सड़क है वो बहुत तंग है और वहाँ पे 2 ट्रक आसानी से पास नहीं हो पाते, इस वजह से ये हादसा हुआ है। उसने साइड में किया है, ड्राइवर कहता है कि ये मेरी ब्रेक छोड़ गई गाड़ी। ये वहाँ पे सड़क सही होनी चाहिए और साइडों में कम से कम एंगल तो होने चाहिए ताकि जिसको पकड़ के बंदा क्रॉस हो सके, और थोड़ा सा ट्रक वाले को भी ये दिखे कि मतलब यहाँ पे मतलब अगर लोग चल रहे हैं तो मैं यहाँ पे पीछे ही ब्रेक लगा लूँ। स्पीड ब्रेकर होने चाहिए, वहाँ पे स्टूडेंट भी ज़्यादा रहते हैं तो उनको भी खतरा है इस चीज़ से, ये होनी चाहिए। सुबह एक और हादसा हुआ, वहाँ पे एक ऑल्टो गिर गई वहाँ पे नीचे ऊपर, वो उसमें कोई मरा नहीं, बच गया। सड़क की मेन कारण है, वो बहुत ही टाइट जगह है और साइड में एंगल तक नहीं है उसमें। तो ये था आजमगढ़ का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एसटीडी के साथ। नमस्कार।